तो हम अपनी क्लास जा अभी आपने ये चीजें नहीं देखनी कि कंपटीशन आपने स्किल सीखनी है और आपने वो अपने आप को बेस्ट बनाना है और मार्केट में सर्वाइव करना है। मैं यहाँ पे बता रही थी कि यहाँ पे हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, तो डिफरेंट कैटेगरीज आ गई। कैटेगरीज आती हैं। अब जो कैटेगरीज होती है ना न्यू, वहां पे थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है बाकियों के लिहाज से, क्योंकि वो भी न्यू होती हैं, तो उसमें इतनी ज्यादा गिग्स नहीं होती। अगर हम चलते हैं थोड़ा सा इसमें मजीद एक्सप्लोर करते हैं, हमने एक सिलेक्ट कर ली कैटेगरी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में जाने के बाद हमें मजीद कुछ कैटेगरीज मिल गई हैं, उसकी मजीद सब कैटेगरीज हो गई हैं, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च। तो हम इसमें आगे जाके देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे गिग्स बनी पड़ी हैं, हम देख लेते हैं कि हमने जस्ट सेलेक्ट किया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसमें कितनी गिग्स हैं। यहाँ से हम कंपटीशन चेक कर सकते हैं कि कितना कंपटीशन है इस कैटेगरी में या इस स्किल में। अब मजीद हम इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं ऑन पेज एसईओ की तरफ। अब यहाँ पे 2400 आ गई हैं, यहाँ पे देखिए इसने 1000 किए हुए हैं ऑर्डर्स। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस स्किल में कितना काम है। यहाँ पे आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर्स नजर आएंगे, इसके रिव्यूज नजर आएंगे कि इसने कितने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके अलावा ये अभी जस्ट फाइवर का ओवरव्यू है, हम कैटेगरीज के लिहाज से देख रहे हैं। अभी फाइवर है क्या, इस पे गिग कैसे बनानी है, इसकी कौन से चीजों का ख्याल रखना होता है, कंप्लीशन रेट क्या होता है, वो सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएंगी। अभी जस्ट हम जो है कैटेगरीज की तरफ जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास एक और प्लेटफॉर्म है अपवर्क। अब न्यूबीज के लिए जो है ना फाइवर सबसे बेस्ट होता है, वो इस लिहाज से होता है क्योंकि इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, ये इतना कम्प्लेक्स नहीं है बाकी जो प्लेटफॉर्म है उनके लिहाज से। यहाँ पे आपने क्या करना होता है, अकाउंट क्रिएट करना होता है और अपनी गिग बनानी होती है। गिग क्या होता है कि ये जैसे एक गिग बनी पड़ी है,
अगर मैं इसको ओपन कर लूँ, ये अपनी सर्विस इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं, हमने अपनी सर्विस की डिटेल देनी होती है। अभी भी वॉइस इशू हो रहा है। आप लोग स्टिल वॉइस इशू फेस कर रहे हैं, आप लोग, आपको वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब वॉइस ओके है या अभी भी सही नहीं है? ये जूम मीटिंग ऐप को जो है ना, ये प्लीज़ आप मैनेजमेंट से बात कीजिए, ये उनका ही रिकमेंडेड है कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं क्या नहीं। तो मैं यहाँ पे आपको गिग का जो है ना ओवरव्यू दे रही थी। अब इसने यहाँ पे 2300 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं और 30 ऑर्डर अभी भी क्यू में है। ये होती है गिग। अब ये जस्ट आपने अभी इसका ओवरव्यू लेना है कि गिग है क्या। ये प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपने टाइटल कैसे लिखना है, आपने ये इमेज कैसे लगानी है, ये पैकेजेस कैसे बनेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या है। अभी जस्ट आप फाइवर को समझें, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि आप कैसे बनाएंगे, किस चीज़ के बारे में बनाएंगे। अब जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको खुद ही चीज़ें ये क्लियर होती जाएंगी। उसके बाद हमारे पास है अपवर्क। यहाँ पे भी बहुत अच्छा काम होता है और अपवर्क जो है, आई थिंक यहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं वो बेस्ट होते हैं। आप जो है ना बड़े प्रोजेक्ट्स हमेशा अपवर्क से ले सकते हैं, लेकिन हम फाइवर को डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते। बेशक यहाँ पे स्टार्ट $5 से ही होता है, लेकिन जब एक बार गिग रैंक कर जाती है तो फिर आपके ऑर्डर्स जो है ना वो चलते ही जाते हैं। अब यहाँ पे किसी को ये समझ ना आई हो कि ये कैटेगरीज क्या है, सब कैटेगरीज क्या है। ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो कहीं लिया मुझे थोड़ा सा ये बता दें कि आपको कहाँ पे इशू आ रहा है। यहाँ पे एक साजिद हैं, उन्होंने कहा यह वीडियो वॉइस क्लियर है। आई थिंक आप लोग थोड़ा सा जो है ना अपना अदिल, आप अपना इंटरनेट चेक कर लें, बाकी का अगर वॉइस क्लियर जा रही है तो आपको मसले हैं तो आप फिर बाद में जो है वीडियो देख लिया करें, और अपना इंटरनेट भी काइंडली चेक कर लें। अब किसी को यहाँ पे फाइवर की समझ ना आई हो कि फाइवर है क्या, ये फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है क्या, अभी जस्ट मैंने दो प्लेटफॉर्म ही एक्सप्लोर किया। एक मैंने फाइवर को तो ऑब्वियसली करके बताया, बट अभी मैं अपवर्क की तरफ नहीं गई, अभी जस्ट मैं फाइवर पे ही हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो फाइवर से रिलेटेड कि फाइवर पे कैसे कैटेगरीज देख सकते हैं, उसमें सब कैटेगरीज कैसे देखनी है, इसमें किसी को कोई मसला हो। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है, इसमें कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट
इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना है। इन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करने पे आपको मजीद कैटेगरीज मिलेंगी। जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया, यहाँ पे देखा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया, और उसके बाद जो है ना हमें मजीद इसकी कैटेगरीज मिली थी, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ। फिर मैंने ऑफ पेज एसईओ को एक्सप्लोर किया, वहां से एक गिग निकाली कि अच्छा ये लोग ये किस चीज़ के बारे में है। अब ये एसईओ कैंपेन के बारे में इसने गिग लगाई हुई है। अच्छा मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास देखे फ्रीलांसिंग, हमने देख ली क्या होता है उसमें, जो है आपने देख लिया कि फ्रीलांसिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। हम उसको सारा कुछ उसको देखने के बाद हम यहाँ पे आते हैं कि अच्छा फ्रीलांसिंग तो हम करें, बट ऑब्वियसली क्लाइंट से कांटेक्ट करने के लिए भी तो कोई ना कोई सोर्स चाहिए ना। अगर आप बैठे हैं इधर पाकिस्तान में और क्लाइंट बैठा है उधर जाके भाई दुबई में, तो वो हमसे कैसे रब्ता करे, उसे कैसे पता चले कि यार कोई मियाँ हमारी बकरे में भी है जो ये काम कर सकता है। तो ये काइंडली जो आपके अपने पर्सनल चैट है वो यहाँ पे ना कंटिन्यू करें, यहाँ पे जस्ट लेक्चर की बात हो तो बेहतर है। अब मेरा नेट इश्यू तो आई थिंक सो नहीं है, क्योंकि मेरे पास वेबसाइट्स तो ओपन हो रही हैं सही से। लेट्स सी के क्या इश्यू आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना कैटेगरीज में हम डिजिटल मार्केटिंग में गए, उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में गए। अब ये डिजिटल मार्केटिंग की एक सब कैटेगरी है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब मजीद हम जब उसमें गए तो हमें और ज्यादा सब कैटेगरीज मिल गई ऑफ पेज एसईओ। उसके अंदर हमने देखा कि अच्छा इतनी सारी गिग्स बनी हुई हैं। फिर हमने एक गिग को ओपन किया, हमने देखा अच्छा उसको देखें 2300 उसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, 30 ऑर्डर उसके क्यू में हैं। अभी जस्ट आपने फाइवर को समझना है, जस्ट आपने उसकी कैटेगरीज समझनी है, उसकी सब कैटेगरीज समझनी है। आपने मजीद जो है ना ये नहीं देखना कि गिग कैसे बनेगी, किस स्किल पे बनेगी, टाइटल कैसे लिखना है, वो चीजें आगे प्रैक्टिकली आपको बताई जाएंगी। अभी जस्ट आप प्लेटफॉर्म्स को समझें। अब यहाँ पे देखेंगे आप कैसे कैटेगरीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर आपको सब कैटेगरीज मिलेंगी। सब कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे, उसके अंदर आपको और ज्यादा कैटेगरीज मिलेंगी। तो आप वहां से अपने इंटरेस्ट देख सकते हैं, आप अपने स्किल्स देख सकते हैं कि आप किस चीज पे काम कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बैक करती हूँ, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च ओपन करती हूँ, ये इसकी ऑफ पेज एसईओ से हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कि वो थोड़ा सा एडवांस है। अब कीवर्ड रिसर्च में सर्विसेज कितनी है, यहाँ से हमें कंपटीशन पता चलेगा कि इस स्किल में कंपटीशन कितना है। बट हम जब मजीद इसको हमने कंपटीशन दे के रुक नहीं जाना कि जितना ज्यादा कंपटीशन है तो हम इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें इसमें काम कितना है, इसमें जो गिग्स बनी है फर्स्ट पेज पे उन पे कितने ऑर्डर आ रहे हैं। यहाँ आपको रिव्यूज नजर आएंगे, जैसे 136 है, 1000 प्लस है, 77 है। पे किसी को ये आइडिया है कि कीवर्ड होता क्या है, किसी को इस चीज के बारे में थोड़ा सा पता हो कि कीवर्ड क्या होगा। मोहम्मद इमरान गिग रैंक कर जाती है और फिर उसके बाद अगर वो नीचे जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी जो गिग में इश्यूज हैं, लाइक आपका ऑर्डर कम्प्लीशन रेट जो है वो सही नहीं है, आपका रिस्पांस टाइम जो है वो ज़्यादा है, या फिर आप टाइम टू टाइम गिग को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे। अगर आप एक गिग बना के बैठे रहें और बाकी लोग अपने गिग को ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनकी गिग ज़्यादा रैंक करेगी। तो ये थोड़ी सी मोहम्मद इमरान आगे की बातें हैं। अभी जो है ना हमने सबको साथ लेके चलना है, तो हम थोड़ा सा जो है बेसिक से ही चलते हैं। अभी स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे हैं, अभी उनको सिर्फ फाइवर की समझ नहीं आ रही, तो अगर हम गिग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा ये लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ में आप लोग कोऑपरेट करें, सबको साथ लेके चलेंगे। हाँ जी अलीना ताहिर, वर्ड जो हम सर्च करते हैं उससे हम कीवर्ड कहते हैं। अब यहाँ पे किसी को ये अभी तक समझ नहीं आया कि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या होता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं फाइंड सर्विसेज। अब आप देखें, आप क्लाइंट हो, आप यहाँ पे आए हो, आपने कोई काम करवाना है,
आपने कंटेंट राइटिंग करवानी, आप यहाँ पे लिख दोगे कंटेंट राइटिंग, यही आके लिखोगे। अब यहाँ पे जैसे हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, यहाँ पे इसने खुद ही नीचे सजेशंस बता दी हैं क्रिएटिव की, अमेजोन की, कंटेंट राइटर फॉर वेबसाइट, यहाँ पे डिफरेंट इसने सजेशंस भी दे दिए कि आपने इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है। मैंने जस्ट कंटेंट राइटिंग किया और मैंने सर्च कर दिया। अब मैंने ये जो मेरा है ना, ये मेरा कीवर्ड है कंटेंट राइटिंग, इसकी बेस पे मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। सर्च टर्म हमारी जो होगी, जो वर्ड, जो टर्म हम सर्च कर रहे होंगे, वो हमारा कीवर्ड होगा। ये एक छोटी सी चीज है कि कीवर्ड क्या होता है। हम जो चीज सर्च कर रहे होते हैं, जो कीवर्ड हम सर्च कर रहे होते हैं, जो टर्म हम सर्च कर रहे होते हैं, जिस चीज के बारे में हम सर्च कर रहे होते हैं, वो हमारा कीवर्ड होता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट राइटिंग और ये सारी सर्विसेज मेरे सामने है। अब आप यहाँ पे सजेशंस आ रही हैं। अब जिनकी जो गिग है वो ऑप्टिमाइज होगी इस कीवर्ड के लिहाज से, इन सजेशंस के लिहाज से, उनकी गिग डेफिनेटली यहाँ पे हमें शो होगी। अब आप जब अपनी गिग्स की तरफ जाएंगे ना, तो यहाँ तब आपको समझ आएगी कि ये सजेशंस क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये कीवर्ड्स क्या है। अभी तक कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा बंदा जिसको अभी तक कीवर्ड की समझ ना आई हो? भैया गिग होती क्या है? ये एक गिग है जहां पे हम अपनी सर्विस की डिटेल देते हैं, जहां पे हम अपनी सर्विस लिस्ट करते हैं, हम बताते हैं कि हम क्या करेंगे, हमारी सर्विस है किस चीज के बारे में, हम अपनी सर्विस की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, हम बताते हैं कि हम कौन सा काम आपको करेंगे, हम ये काम करेंगे तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी पूरी डिटेल हम लिखते हैं। कोई ऐसा बंदा जिसको ये समझ ना आई हो कि कीवर्ड क्या है या फाइवर क्या है? ठीक है, कीवर्ड की भी आपको समझ आ गई, फाइवर की भी आपको समझ आ गई है कि फाइवर और वसीम अब्बास, अभी आप फाइवर पे अपनी आईडी नहीं बनाते जब तक आपको कुछ ना कुछ स्किल्स नहीं आ जाते हैं, जब तक आपको थोड़ा सा ये सारी चीज़ों का ओवरव्यू पता नहीं चल जाएगा। और फाइवर पे आईडी बनाना सिंपल है, आपने जस्ट साइन अप ही करना है, और वो भी आपको बताया जाएगा कि आपने कैसे करना है, सारा कुछ प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। अब यहाँ पे आपको समझ आ गई कि फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपनी सर्विसेज बताते हैं कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फाइवर पे हम गिग लगाते हैं। गिग क्या होती है? हमारी सर्विस की डिटेल होती है, उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, पैकेज बने होते हैं कि अगर आप थोड़ा काम करवाओगे तो इतने हम चार्जेस लेंगे, अगर ज़्यादा करवाना है तो फिर हमारे चार्जेस बढ़ते जाएंगे, इस तरह से। जी अटेंडेंस जो है वो अब अभी भी मार्क कर सकते हैं, अगर आपने नहीं की तो जब तक लेक्चर है और तब तक अटेंडेंस होती है, तो प्लीज़ आप जो है ना अटेंडेंस मार्क कर लें अगर आपने नहीं की तो। अब मुझे कोई यहाँ पे ये बताए कि गिग क्या होता है। गिग में प्रोफाइल नहीं होता, प्रोफाइल थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये एक बंदा है जिसकी हमने गिग ओपन की थी, तो मैं इसकी प्रोफाइल ओपन कर लेती हूँ। प्रोफाइल इसकी ये है जहाँ पे इसकी बहुत सारी गिग्स शो हो रही हैं, ये प्रोफाइल है। बट अगर हम एक स्पेसिफिक सर्विस यहाँ पे ओपन करते हैं तो वो एक गिग होगी, एक स्पेसिफिक सर्विस के बारे में जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसको हम कहेंगे गिग। ये जैसे कि एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, ये एसईओ कैंपेन के बारे में है, तो हम इसको गिग कहेंगे। अब इसकी जो है प्रोफाइल में और भी सर्विसेज हैं, यहाँ पे ये बैकलिंक रिपोर्ट दे रहा है, ये कह रहा है कि बैकलिंक्स आपकी जो है मैं इंडेक्स कराऊंगा, यहाँ पे इसकी डिफरेंट सर्विस ऑडिट वगैरह जो है, यहाँ पे इसने डिफरेंट सर्विसेज दी हुई। अब ये इसकी प्रोफाइल है जहाँ पे उसने अपनी सारी सर्विसेज लिस्ट की हुई हैं। बट गिग क्या है? एक स्पेसिफिक सर्विस के बारे में डिटेल।
हाँ जी अलीना ताहिर, बिल्कुल जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो गिग होती है। हाँ जी, जो सर्विस हम ऑफर कर रहे होते हैं, सेल कर रहे थे एक मार्केट प्लेस में, इसको गिग कहते हैं। अब वसीम अब्बास, ये मैं भी गिग के बारे में ही बता रही थी और ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने गिग के बारे में बताया हुआ है कमेंट्स में। अगर आप एक भी कमेंट पढ़ लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि गिग क्या है। प्लीज़ थोड़ा सा उसको पढ़ें और फिर मुझे बताएं कि गिग क्या है। न्यूबीज के लिए जो होता है ना स्टार्ट में, हाँ जी नहीं, जो हम सर्विस देते हैं उसको हम गिग कहते हैं। स्टार्ट में जो हम $5 से ही बेटर होता है क्योंकि हमारी प्रोफाइल बिल्ड नहीं हुई होती, तो काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेफर कर रहे होते हैं कि यार बजट थोड़ा सा कम हो। शाहिद खान, ये जो आप कह रहे हैं कि ये आपकी CV होती है कि आपकी स्किल्स क्या हैं और आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये प्रोफाइल के बारे में हम कह सकते हैं। एक स्पेसिफिक गिग जो होती है वो आपकी एक स्किल के बारे में होती है, आप उस एक स्किल के बारे में डिटेल दे रहे होते हैं कि आप इस स्किल में, आप इस सर्विस में क्या चीज़ प्रोवाइड करेंगे। आप उसमें आप बताएंगे कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें जो है ना कवर करेंगे। अब चलते हैं अपवर्क की तरफ। अब फाइवर पे क्या था कि हम गिग बना देते थे, क्लाइंट्स आते थे अब फाइंड सर्विसेज में, यहाँ पे सर्च करते थे और उनके पास जो है ना इस तरह से गिग्स आ जाती थी और वो डिफरेंट गिग्स ओपन करते थे, और ओपन करने के बाद जो है वो उस पे जो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होती थी वो उस पे ऑर्डर प्लेस कर देते। अपवर्क थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट है। अपवर्क में क्या, यहाँ पे भी इसकी कैटेगरीज आ रही हैं, अब यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। डिजाइन एंड क्रिएटिव में चलते हैं। अपवर्क पे क्या होता है कि आप जो है ना, जो क्लाइंट होता है वो अपनी जो उसको रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उसको काम करवाना होता है वो वहाँ पे पोस्ट करता है, और डिफरेंट फ्रीलांसर जो हैं, जो जॉब सर्च कर रहे होते हैं, वो वहाँ पे अपना प्रपोजल भेजते हैं। प्रपोजल क्या होता है, वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं जैसे हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। फिर क्लाइंट सारे प्रपोजल चेक करता है और उसको फिर देखता है कि कौन सा इसमें बेस्ट है, किसने अच्छे से इस चीज़ को, जो उसको अच्छे से समझा लेता है कि हम आपका काम इस तरह से करेंगे, डेफिनेटली वो उसके लिए बेस्ट होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे हम अपने जॉब के लिए CV सबमिट करवाते हैं। हम उस चीज़, हम क्लाइंट को ये क्लियर करते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। अभी आपने अब इस चीज़ को नहीं सोचना कि ये प्रपोजल क्या है, कवर लेटर क्या है, लिखेंगे कैसे। आप जस्ट अपवर्क की वर्किंग को समझें, अपवर्क क्या है, इस पे काम कैसे होता है। आप ये, अब आपकी असाइनमेंट होगी कि आपने फाइवर और अपवर्क को जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। पहले अपवर्क पे ये था कि सिर्फ जो है ना क्लाइंट्स प्रोजेक्ट पोस्ट करते थे और फ्रीलांसर्स जाके वहाँ पे जो है अपने प्रपोजल्स या वो सबमिट करवाते थे, बट अब जो है ना अपवर्क ने एक प्रोजेक्ट कैटलॉग भी किया है और उसमें जो है बिल्कुल इसी तरह जैसे गिग लगाते हैं वैसे भी फ्रीलांसर्स अपनी गिग बना सकते हैं। अब यहाँ पे कैटेगरीज आ रही हैं तो इसको मैं अब ओपन करती हूँ, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पे 3300 जो है अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे भी सेम वही गिग की तरह ही बना हुआ है, अब इन्होंने दो चीज़ें मर्ज कर ली हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बहुत से लोगों ने इस चीज़ के बारे में सर्विस लगाई हुई होगी, यहाँ पे एक ओपन कर लेते हैं। सेम उसी तरह पैकेज है और टाइटल है, रिव्यूज़ यहाँ पे, ये उसके ओवरऑल रिव्यूज़ शो हो रहे होंगे जो उसने चाहे प्रोजेक्ट से
प्रोजेक्ट लिया था यहाँ, जो यहाँ से गिग लगा के लिया था, या फिर उसने प्रपोजल सबमिट करवा के लिया था यहाँ पे, ओवरऑल उसके रिव्यूज़ शो हो रहे होंगे। सेम उस तरह प्रोजेक्ट डिटेल है, उसमें बता रहा है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, और सेम फाइवर की तरह वर्किंग है। अभी तक यहाँ पे मुझे बस आप लोगों ने ज़्यादा इस चीज़ को वो नहीं लेना कि ये चीज़ें होंगी कैसे, बस मुझे सिर्फ इतना बताएं कि किसको फाइवर की समझ नहीं है कि फाइवर है क्या। कोई ऐसा बंदा जिसको ये समझ ना आई हो कि फाइवर क्या है। अल्ताफ हुसैन, जल्दी से मुझे बताएं कि फाइवर क्या है। कोई ना, ठीक है, मैं रिपीट भी कर देती हूँ। और जूनी शाह, डिफरेंस क्या है अपवर्क और फाइवर में? डिफरेंस कोई भी नहीं है, इस सेंस में है कि अपवर्क पे थोड़े से जो क्लाइंट्स हैं ना वो हाई पेइंग होते हैं, और जो फाइवर है ना उसमें थोड़ा सा बजट का इशू होता है। उसके अलावा दोनों ही फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, आप अपनी सर्विस फाइवर पे भी दे सकते हो, आप अपनी सर्विस अपवर्क पे भी दे सकते हो। आपको समझना क्या है कि फाइवर पे अगर आपने अपनी सर्विस देनी है तो आप जो है ना गिग बनाएंगे। अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगी फाइवर में, तो इसमें फिर आगे बायर रिक्वेस्ट का भी ऑप्शन होता है, वो अपवर्क से मिलता जुलता होगा। इनकी वर्किंग मिलती जुलती है, बट हमने इनके इनको समझना है, इनकी वर्किंग को समझना है कि हम अपनी गिग्स जब बनाएंगे तो हमने किस तरह से बनानी है, फाइवर है क्या, अपवर है क्या। अदील अहमद, जरा बताएं फाइवर क्या होता है, और प्लीज आप थोड़े से जो है ना अपने वर्डिंग को भी देख लें। ये सराइकी नहीं बोल सकते आप लोग क्लास में, ये नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर लें, तो प्लीज इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखें। हाँ जी, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग गिग बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि कस्टमर हमें सर्च करते हैं, जिनको हमारी गिग अच्छी लगती है तो हमें कहीं जो भी काम होता है वो साइन। कुछ वेब होती हैं जो ऑनलाइन वर्क करवाते हैं, लाइक कुछ वर्ड्स लिखने होते हैं और फेक होती हैं। जो फेक होती हैं तो आपने उनकी टर्म्स को जान के क्या करना है, आपने उस साइड पे जाना ही नहीं है, आपने अपने स्किल्स की बेस पे काम करना है। वो चीज़ें छोड़े, वो बस ये होता है कि आप डाटा एंट्री करो, आपने जी ये कुछ कैप्चा फिल करना। वैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है उन पे के वो क्या करवाती हैं, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों में पढ़ती ही नहीं हूँ। जब पता है कि वो फेक है तो हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें उस चीज़ पे। आप फाइवर पे ध्यान दें, आप इसको देखें कि ये जो चीज़ें आगे काम आनी है आपके, उन चीज़ों को छोड़ दें। जो फेक हैं उनको जान के क्या करना है, जब आपको भी पता है कि वो फेक हैं। आप मुझे ये बताएं भैया जल्दी से कि फाइवर क्या होता है, आपको इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन हो कि फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है। सिंपल सी बात है, दो प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम अपनी सर्विसेज लिस्ट करते हैं, जहाँ पे हम अपने सर्विस के बारे में बताते हैं कि हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हम फाइवर और अपवर्क कहते हैं। हम में एक प्लेटफॉर्म है हैं, और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं फाइवर पे, हम नेक्स्ट चलते हैं अपने गिग्स बनाने की तरफ। और अपवर्क का जो मेन है ना वो प्रपोजल सबमिशन है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे मैंने किसी और को कहा था, अल्ताफ हुसैन को मैंने कहा था कि उनको समझ नहीं आ रही, तो पहले तो मुझे ये बता दें प्लीज कि आपको ये समझ आई है कि फाइवर है क्या। और कायनात, मैंने जो अभी बताया आपको अभी भी समझ नहीं आया।
ना जल्दी से बता दें कि आपको फाइवर में कोई कन्फ्यूजन है, वो फेक चीजों को छोड़ के थोड़ा सा ठीक है। अल्ताफ हुसैन आपको फाइवर क्लियर हो गया, अब आप थोड़ा सा अपवर्क पे आ जाएं कि अपवर्क में आपको क्या समझ नहीं आया। अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट्स आके अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं। अभी मैं इस चीज को थोड़ा सा और मजीद प्रैक्टिकल भी लेके जाऊंगी, बट अभी जो है ना आप थोड़ा सा जस्ट इनकी वर्किंग समझ लें। आगे आपको बताया जाएगा कि क्या होता है, कि अपवर्क पे कैसे प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, हम उस पे कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करके बताई जाएंगी। आपको बताया जाएगा आपने कवर लेटर लिखना क्या है, आपने जब जॉब पढ़नी है तो उसमें क्या क्या चीजें नोट करनी है, आपने जब गिग बनानी है उसका टाइटल कैसे लिखना है, आपने उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, आपने उसके टैग्स कैसे लगाने हैं, आपने रिसर्च कैसे करना है, ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकली करवाई जाएंगी। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनको फाइवर का पता ही नहीं है, तो इसके लिए ये बहुत बेसिक सी चीजें, बस इतना ही मैंने अभी तक बताया है कि फाइवर है क्या, उस पे हम काम कैसे करते हैं, उस पे गिग्स कैसे बनाते, तो भी नहीं बताया, बस कैसे कर सकता है। अपवर्क पे मैं इतना है कि ये भी एक फ्रीलांस प्लेटफॉर्म है, वहां पे क्लाइंट्स आते हैं अपनी जॉब पोस्ट करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर में एक ऐड आता है कि हमें जो है ना ये बंदा एक हायर करना है, ये जॉब पोस्ट है, सेम उसी तरह वो अपने रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं कि हमें ये चीजें चाहिए। फिर जो फ्रीलांसर्स होते हैं जिनकी स्किल्स होती हैं, वो जाके देखते हैं अच्छा इस तरह से ये जॉब है, इनकी ये रिक्वायरमेंट्स है, फिर वो वहां पे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल्स अच्छा क्लियर होगा, बट अभी थोड़ा सा आप अगर ओवरव्यू चीजों का ले लेंगे ना तो आपको प्रैक्टिकल में आसानी होगी, आप लोगों को एक चीज अच्छे से समझ आएगी। अगर डायरेक्ट ही मैं प्रैक्टिकल पे लेके चली जाऊं कि आप अकाउंट बना लें, गिग्स बनाए, तो अभी आप किस चीज की गिग बनाएंगे, अभी आपके पास कि जो है अपवर्क पे क्लाइंट्स प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, आपको यही नहीं पता होगा कि फाइवर पे हम गिग बनाते हैं, इस तरह से प्रपोजल्स नहीं होते, होते हैं बायर रिक्वेस्ट में, वो थोड़ी सी बाद में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। और अपवर्क पे बस ये है कि आप अपवर्क पे लॉन्ग टर्म आपका जो है ना काम चल जाता है। फाइवर पे क्या होता है कि एक गिग बाय की और उसका काम खत्म हो गया आपका जी। आपके गिग जो है आपने काम डिलीवर कर दिया, ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो खत्म। लेकिन अपवर्क में क्या होता है कि वहां पे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है ना तो माइलस्टोन्स में काम चलता है। माइलस्टोन क्या होता है कि आप एक काम करोगे उसकी आपको पेमेंट हो जाएगी, फिर नेक्स्ट आपको काम असाइन किया जाएगा कि अब आपने ये काम करना है, फिर उसकी पेमेंट, मतलब वो एक लॉन्ग टर्म काम चलता रहता है, आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए क्लाइंट मिल जाते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा जो है ना डिफरेंस है, न्यूबीज के लिए फाइवर जो है वो ज्यादा जो कहते हैं वहां से उनको ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं, अपवर्क को उनको समझने में अपवर्क उसमें थोड़ा सा उनको टाइम लगता है, जब उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपवर्क पे भी वो सेट हो जाते हैं। और अपवर्क पे अगर आपको एक अच्छा क्लाइंट मिल गया है ना तो फिर आपका काम लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, उसमें आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। आप किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, अगर नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कैटेगरीज में क्वेश्चन हो के अभी तक आज के जो लेक्चर में है हमने क्या पढ़ा है कि हमारे पास जी फ्रीलांसिंग में बहुत सी कैटेगरीज होती हैं और उन कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज होती हैं। अपवर्क का टाइम ज्यादा होता है क्या, टाइम ज्यादा से क्या मुराद है? ये थोड़ा सा कायनात आप मुझे बता दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अपवर्क का टाइम ज्यादा होता है। अब आपने
माइलस्टोन का मतलब ये होता है कि आपको थोड़ा सा काम दिया जाता है, जैसे कि अब आप कंटेंट राइटिंग का, हीरा न्याजी मैं कनेक्ट्स की तरफ भी जाती हूँ अभी थोड़ा सा, वो अप्लाई करने पे जब हम जाएंगे ना तो उसमें मैं बताऊंगी कि कनेक्ट्स क्या होते हैं। अभी थोड़े से मैं इसकी वर्किंग एक्सप्लेन कर लूँ, फिर कनेक्ट्स को भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब माइलस्टोन क्या होता है कि माइलस्टोन होता है अगर आप कंटेंट राइटर हायर हुई हैं तो आपको एक माइलस्टोन जो होगा असाइन होगा कि आपने 1000 वर्ड्स लिख लिए हैं, ये अब एक माइलस्टोन है आपका, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने 1000 वर्ड्स लिखे और आपने अपना काम डिलीवर कर दिया। अब फाइवर पे अगर आप 1000 का आपको ऑर्डर मिलेगा, अब फाइवर पे जब आपको 1000 वर्ड का ऑर्डर मिलेगा, आप डिलीवर करेंगी, आपका ऑर्डर कंप्लीट, ठीक है, आपके वो जो है ऑर्डर खत्म हो गया। अब अपवर्क पे चलते हैं, अपवर्क पे भी आप जो है ना हायर हुई हैं कंटेंट राइटिंग में, आपको पहला माइलस्टोन मिलेगा 1000 वर्ड्स का, आपने वो कंप्लीट किया, आपने डिलीवर कर दिया, उसके बाद क्लाइंट को आपका काम अच्छा लग गया, अब उसका कॉन्टेक्ट आप से लिखा, आपने डिलीवर कर दिया। नेक्स्ट उसने आपको 500 वर्ड का दे दिया कि आप 500 वर्ड का आर्टिकल लिख के दो, आपने वो लिखा, आपने डिलीवर कर दिया, ये है माइलस्टोन। आप काम करती जाएंगी, डिलीवर करती जाएंगी, आपको जो है ना उसके वो पेमेंट होती जाएगी। अब फाइवर पे अगर आपका एक ऑर्डर है कि आपने कहा है कि अभी मैं 10 आर्टिकल लिख के दूं, तो वो 10 आर्टिकल का एक ऑर्डर होगा और वो आपको एक टाइम में ही डिलीवर करना होगा। अपवर्क के लिए ज्यादा टाइम सेट किया जाता है, सेट क्या डिलीवरी टाइम आप कह रही हैं, जैसे फाइवर पे होता है कि आप 24 आवर्स करें, 1 वीक करें, अगर इस तरह से पूछ रही हैं तो अपवर्क में टाइम का इतना इशू नहीं होता। अपवर्क में काफी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस चीज में, आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपको इतना टाइम इजिली दे देते हैं कि आप आराम सुकून से उसमें जो है ना काम कंप्लीट कर लेते हैं। और ऊपर से जब माइलस्टोन का होता है ना, जैसे आर्टिकल राइटिंग मैंने एग्जांपल दी है, तो 1000 वर्ड्स का आप उनसे टाइम ले सकती हैं, 24 आवर्स लें, 2 डेज लें, जितना लें, तो वो आपका माइलस्टोन में डिवाइड हो जाता है काम, तो वो आपको फिर आसानी भी होती है डिलीवर करने में। और दूसरा ये होता है कि जितना आप काम करते जाएंगे उतनी आपको पेमेंट होती जाएगी। हाँ जी, पेमेंट और काम जो है वो डिवाइड हो जाता है, जितना आप काम करते जाएंगी उसके आपको उस लिहाज से पेमेंट होती जाएगी। ये अभी आप इसका जस्ट ओवरव्यू भी लें, ये प्रैक्टिकल में जब चीजें जाएंगी ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप यहाँ पे जस्ट फाइवर और अपवर्क की जो है ना वर्किंग को समझें, ये फाइवर क्या है, अपवर्क क्या है, बस इन चीजों को आप समझें। बाकी में ये गिग बनाने का भी बताया जाएगा, माइलस्टोन कैसे होते हैं, अप्रूव कैसे होते हैं, काम उस पे क्या होता है, कनेक्ट्स क्या होते हैं, आप अप्लाई कैसे करेंगे, कवर लेटर है क्या, उसमें क्या क्या लिखना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अरे ना, आपको अपवर्क की कंफ्यूजन है, अलीना अपवर्क क्या है, एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्लाइंट्स अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर्स जाते हैं, विजिट करते हैं, अपनी स्किल्स में, अपनी कैटेगरीज में जाके देखते हैं कि हमारी कैटेगरी में कौन से नए प्रोजेक्ट पोस्ट हुए पड़े हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं। तो अच्छा, एक कोई उनको जैसे कंटेंट राइटर है तो उसको वहाँ पे एक प्रोजेक्ट अपनी स्किल में नजर आता है, वो वहाँ पे करता है कि मैंने यहाँ पे वही अप्लाई करना है, साथ ही बटन होता है सबमिट का। हाँ जी, मैं वही अपवर्क की एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वो अपना प्रपोजल सबमिट करता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे न्यूज़पेपर में ऐड आता है कि ये जॉब अवेलेबल है, फिर हम अपनी सीवी सबमिट करवाते हैं, फिर फ्रीलांसर उस चीज़ को पढ़ता है, उसकी जॉब को पढ़ता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ता है कि इसको चाहिए क्या। अब कंटेंट राइटिंग में उसको यूनिक चाहिए होगा, एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए होगा, उसको कितने वर्ड्स चाहिए, वो कौन सी जो है उसको ऑडियंस है, किस चीज़ को वो टारगेट करना चाह रहा है, उसकी नीच क्या है, ये सारी चीज़ें उसने अपनी बताई हुई होंगी कि मुझे क्या क्या चाहिए। हम उसको पढ़ते हैं, फिर हम उसको बताते हैं, फिर हम अपना प्रपोजल भेजते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं आपके साथ काम करने में, फिर हम बताते हैं कि हम आपके प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे हम जो है ना इसको आगे लेके चलेंगे, आपको
क्या रिजल्ट डिलीवर करेंगे, और साथ में हम अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि वो हमें ही सिलेक्ट क्यों करे। अब ये थोड़ा सा जो मैंने प्रपोजल के बारे में बताया, इसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने जब प्रपोजल सबमिट करवाने हैं तो आपने अपनी तारीफों के पुल नहीं बांध देने कि मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि उसको क्या चाहिए, आपने उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए बताना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आपने उस चीज़ को आगे लेके जाना है। अब्बास रजा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई हो अभी तक आपको? अब तो मैंने थोड़ा सा प्रपोजल को भी मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं प्रैक्टिकल में ही बताऊंगी आप कैसे जॉब को देखेंगे, तो आपको क्या क्या चीज़ें नोट करनी होंगी, फिर आप कवर लेटर कैसे लिखेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीवर्ड का आइडिया दिया था, तो कीवर्ड का आइडिया मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैं अब थोड़ा सा मूव करना चाह रही हूँ स्किल्स सिखाने की तरफ। तो सबसे पहले जो होगी स्किल वो हमारी होगी कीवर्ड रिसर्च की ही, क्योंकि वो सबसे इजी है और आप लोग बहुत जल्दी सीख जाओगे और आप लोग अपनी पहली गिग भी बना लोगे कीवर्ड रिसर्च की। तो कीवर्ड जस्ट मैंने बस इतना ही बताया था, एक सर्च टर्म है जो हम सर्च करते हैं, कुछ भी आप सर्च करो वो आपका एक कीवर्ड होगा, उसके हिसाब से हम अपने ऑब्वियसली प्रैक्टिकल भी ऑनलाइन ही होगा, खबर मैं बता चुकी हूँ कि क्लासेस ऑनलाइन ही चलनी है, तो प्लीज़ ये आप याद रख लें। ठीक है हेरा, बिना एक्सपीरियंस के आप कन्वेंस कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे एक्सपीरियंस। अब हर बंदा कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करता ही है ना, अब जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं ना उनके थोड़ा सा रेट भी हाई होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो लो रेट के लिए जो होते हैं वो न्यू बंदे को हायर कर लेते हैं, और उसके अलावा आपके पास बहुत सी चीज़ें होती हैं कि एक्सपीरियंस के बगैर भी आप कन्विंस कर सकते हैं, जिसमें एक आपकी गिग इमेज भी होती है, आपकी गिग डिस्क्रिप्शन भी होती है। बट ये हम जब गिग बनाने पर जाएंगे ना तो फिर वहाँ पर बताएंगे। हाँ जी, दोनों एक ही जैसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट थोड़ा सा जहाँ पे फ़र्क ये आता है कि वहाँ पे हम गिग बना के रखते हैं और वहाँ पे हमें प्रपोजल सबमिट करने होते हैं। अब वक्त थोड़ा सा कह लें कि हाई लेवल है फाइवर से, फाइवर पे जो है ना वो $5 के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, थोड़ा सा बजट का होता है, बट अब वक्त पे अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, अब वक्त पे लेवल के क्लाइंट कह रहे हैं कि उनका बजट का इतना इशू नहीं होता। बट इट डजेंट मीन कि आप इस तरह से देखें कि अब वक्त पे कुछ ज़्यादा ही बजट के क्लाइंट्स हैं, तो इस तरह भी नहीं होता। आप अपना जो है ना अपनी सर्विस के हिसाब से चार्ज करें, अब वह कोई ज्यादा चार्ज फाइवर पे गिग तो डेफिनेटली बनाएंगे ही, बट आपने फाइवर को ये देख के छोड़ नहीं देना कि इसमें कंपटीशन बहुत है, इसमें हम कैसे कर सकते हैं इस तरह से रैंक। फाइवर की एक एक रैंक हो जाए तो फिर ऑर्डर्स आते ही आते रहते हैं। आपने रखनी है कि मैंने करना है, ये 3 मंथ आपने लगाने हैं, आपने ये चीज़ें माइंड में बस सारा कुछ निकाल दें, आपने बस ये रखना है दिमाग में कि मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, और इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे। यहाँ पे अभी कौन, शायद हेरा ने आ जी थी, हाँ जी, इन ये अभी कह रही थी कि एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने ये चीज़ें माइंड में रखनी ही नहीं है, आपका एक्सपीरियंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपने स्किल इस तरह से प्रेजेंट कर दें, आप सही से एक्सप्लेन कर दें कि आप करने क्या वाली हैं। और लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो गया क्योंकि आज जो है लेक्चर का टाइम 11:30 तक था, तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ ले, फिर उसके बाद हम करते हैं लेक्चर एंड। और स्पोर्ट की बात है तो वो मंडे तक आपको कंफर्म हो जाएगा कि हम स्पोर्ट का आगे क्या करने वाले हैं। जी बिल्कुल, कंटेंट राइटिंग वगैरह है इसमें, बट हम ये भी तो है ना, फ्रीलांसिंग के बेसिक्स तो स्टार्ट में लेके चलने हैं आपको। चलो ठीक है, फ्रीलांसिंग के बेसिक पता है, बट यहाँ पे जो लोग हैं जिनको इस बारे में पता ही नहीं है, जिनको फाइवर का नहीं पता, तो उनको अगर हम डायरेक्ट कंटेंट राइटिंग पे लेके चले जाएँ तो फिर वो तो उस चीज़ को नहीं ना समझ पाएंगे। तो ये जो है ना, थोड़ा सा आप जो है ना बाकियों को साथ लेके चलें, अगर आपको पता है फ्रीलांसिंग का। हीरा, अटेंडेंस जो है वो शेयर कर दिया था लिंक, मैं यहाँ पे भी दे देती हूँ, इस लिंक पे आप कर लें। और अगर मोहम्मद इमरान, आपका एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग में, आपको जो है ना
पता है फ्रीलांसिंग के बारे में, तो आप अपने फेलोज को बता सकते हैं, आप उनको गाइड करें जिनको समझ नहीं आ रही, जो जो ग्रुप में पोस्ट करेंगे, जो हम नेक्स्ट जो भी सपोर्ट का करते हैं, ग्रुप बनाते हैं जो भी, तो अब वहाँ पे उनको गाइड करें, बजाय इसके कि हम थोड़ा सा अपनी स्पीड फास्ट कर लें और जो न्यू बच्चे हैं उनको तो कुछ समझ ही ना आए। अटेंडेंस जो है वो मैंने फॉर्म दोबारा से यहाँ पे लिंक दे दिया, जिस जिसने अटेंडेंस नहीं मार्क की वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर ले, लेक्चर के दौरान ही सिर्फ अटेंडेंस मार्क हो सकती है, उसके बाद एब्सेंट काउंट होगा और आपको जो है ना सर्टिफिकेट अटेंडेंस की बेस पे ही मिलना है, अगर 80% अटेंडेंस होगी तो ही मिलेगा, तो प्लीज़ आप लोग अटेंडेंस मार्क कर लें। किसी का कोई क्वेश्चन हो अब फाइवर अपवर्क से रिलेटेड, सिंपल सी चीज़ें थी कि बस दो प्लेटफॉर्म हैं जिनको हमने समझाया कि इनकी वर्किंग क्या है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। और यहाँ पे कोई स्टूडेंट थी जो कंप्लेन के बारे में बात कर रही, शायद बी आर आना थी, तो वो मुझे मैसेज कर सकती हैं, आपकी जो भी कंप्लेंट होगी वो इंशाल्लाह। खबर मैंने यहाँ पे अटेंडेंस का जो है ना लिंक दोबारा भी दे दिया, और जब मेरी पोस्ट आती है तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अटेंडेंस का लिंक होता है, तो वहाँ पे आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और अब आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट क्या है कि आपने फाइवर और अपवर्क को एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर का मतलब क्या है कि आपने उनकी कैटेगरीज विजिट करनी है, आपने देखना है कि अच्छा कैसे लोगों ने गिग्स लगाई हुई है, कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज क्या है, आपको चीज़ों का आइडिया होना स्टार्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे है ये कैटेगरीज राइटिंग और ट्रांसलेशन में लोग मजीद कौन कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना। दोनों को समराइज कर देती हूँ, फाइवर और अपवर्क दोनों प्लेटफॉर्म है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। खबर आप इस लिंक पे भी मार्क कर दें, मंडे को ही होगी और बता दीजिएगा, स्ट्रीम यार्ड भी होती है या लाइव होती है। अच्छा फाइवर और अपवर्क को मैं थोड़ा सा ये अभी समराइज करने को कहा गया तो मैं बस जल्दी से समराइज करती हूँ, दोनों फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फाइवर भी अपवर्क भी। फाइवर पे क्या होता है, हम अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी गिग बना देते हैं, और गिग जब हम कोई सर्च करते वो करते हैं अपनी गिग बनाते हैं, तो फिर हमारी गिग को जब सर्च में आती है तो हमें वहां से ऑर्डर्स मिलते हैं। अब फिर क्या है कि क्लाइंट्स आके अपने प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और फ्रीलांसर्स देख रहे होते हैं कि उनकी स्किल में कोई आया है, अगर प्रोजेक्ट नया उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर सकें तो वो अपवर्क पे हम जो उस स्किल के बारे में वो जॉब होती है हम वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हम अचीव कैसे करेंगे, और हम थोड़ा सा ये बता देते हैं कि वो हमें सिलेक्ट क्यों करें, मतलब हम एक यूनिक सा प्रपोजल बना के भेजते हैं। यूनिक कल क्लास नहीं होगी, सैटर संडे नहीं होगी, मंडे को क्लास होगी। और इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पोस्ट करके मुझे मेंशन कर दे, और बाकी सपोर्ट का जो है मैं वो टीम से डिस्कस करके आपको मंडे को बता दूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मोहम्मद इमरान आप रैंडम सर्च करें, आपने कोर्स को थोड़ा सा जो है ना इस चीज को ना सीरियस लें इतना भी, आप रैंडम सर्च करें, आप बस फाइवर की वर्किंग देखें, आप सोचें कि आप एक क्लाइंट हैं और आप कोई भी काम करवाने आए हो, आप अपनी मर्जी का काम सिलेक्ट करें जो भी आपको अच्छा लगता है, आप वहां पे जाके सर्च करें, वहां पे गिग देखें और देखें कि आप कौन सी गिग सिलेक्ट करेंगे एज अ क्लाइंट और उसको क्यों करेंगे, वो नोट डाउन कर लें कि मैंने ये चीज़ सर्च की, मुझे ये गिग अच्छी लगी, मुझे इसमें इस गिग में अच्छे लगने की क्या वजह थी कि मुझे ये गिग क्यों अच्छी लगी है, वो नोट करें और आप देखें, आप कंपेयर करेंगे डिफरेंट गिग्स में, जब आप कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मतलब रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कि कौन उसको फुलफिल कर रहा है, वो चीज़ें आप नोट करें, वो चीज़ें आप समझें, और ये आप प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को तभी आपको समझ आएंगी और ये चीज़ें आपको जो है ना हेल्प करेंगी गिग बनाने में। खावर साहब ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं ही क्लास लूंगी जो कौन लेगा, तो आप मेरे ख्याल से मियांवाली सेंटर से हैं और मेरी अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो बकर की थी, लेट्स सी कि अगर ये इकट्ठा ही चलता तो डेफिनेटली मैं ही लूँगी, और अगर सेपरेट हो जाते हैं तो आपके जो ट्रेनर होंगे वो लेंगे। चलिए
चलें ठीक है, थैंक यू सो मच. क्लास का टाइम ख़त्म हो गया है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो वो ग्रुप में पोस्ट करके मुझे टैग कर दे, मेंशन कर दे, इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का मैं